इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूला फॉर गेट आईएएस इसरो बीएआरसी एंड पीएसयू का ये पार्ट 10 वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल सिस्टम के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, पोल जीरो कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर रखा है मैंने, ठीक है। फेस लीड कंपेंसेटर अगर होगा तो उसमें ओरिजिन के पास में क्या होगा, जीरो होगा। और लैग अगर कंपेंसेटर हुआ तो ओरिजिन के पास क्या होना चाहिए, उसके पोल होना चाहिए। तो ये दोनों आप कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए। नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपने देखा होगा पीएन जंक्शन, ठीक है। पीएन जंक्शन कैसा होता है, या तो फॉरवर्ड बायस होता है या फिर रिवर्स बायस होता है, ठीक है। या फॉरवर्ड बायस होता है या फिर रिवर्स बायस होता है। तो जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें कौन सा कैपेसिटेंस होता है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ठीक है। और रिवर्स बायस में कौन सा कैपेसिटेंस होता है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ठीक है, ठीक है। और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस क्या होता है, सीडी से अगर इसे रिप्रेजेंट करें हम तो क्या होता है, ईटा आई अपॉन, सॉरी टाउ आई अपॉन ईटा वीटी, ठीक है। और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होता है, इसको सीटी से अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूं तो एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। ए इज द एरिया, वी इज द विड्थ, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर इसको हम वोल्टेज के टर्म्स में देखें तो रिवर्स बायस वोल्टेज के रिलेशन ये होता है इसका, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दो आप चीजें याद रखिए। इसमें कभी कभी डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बायस अगर हम फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। और रिवर्स बायस हम बढ़ाएंगे तो उसका रिलेशन ये होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट हम वापिस से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे, लिखेंगे उसे एक जगह, हमेशा रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, टू स्टेज आरसी कपल्ड, टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन एमिटर और कॉमन एमिटर, दो कॉमन एमिटर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ट्रांजिस्टर जो हुआ, ठीक है, अगर वो सैचुरेशन रीजन में, ठीक है, सैचुरेशन रीजन में, तो क्या हो जाएगा, जो आईसी होगा वो लेस देन इक्वल्स टू बीटा आई बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, क्यू पॉइंट जो होता है पैरेलल आरएलसी सर्किट का, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर देन होता है क्यू ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ठीक है, एक मैं सर्किट ड्रॉ कर रही हूं यहां पे, आर वन आर एफ, ठीक है, ये है ओपैम्प, उसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल इज ग्राउंड, ठीक है, इट इज ग्राउंड। और फिर यहां पर मैंने एक डायोड कनेक्ट कर दिया। अब आपसे पूछा जाए एग्जाम में, शायद ये इसरो के एग्जाम में आ चुका है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, कि ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। एक और चीज आप देख लीजिए, ओपैम्प से रिलेटेड, अगर ये मैंने ओपैम्प ड्रॉ किया है, ठीक है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को मैंने ग्राउंड किया है, इधर सप्लाई दिया है वी इन, ठीक है, इसमें कोई मैंने फीडबैक नहीं कनेक्ट किया है, ठीक है, या फिर मैंने इसका अपोजिट कर दिया है, ठीक है। अगर मैंने पॉजिटिव में इसमें वी इन सप्लाई दे दिया है, ठीक है, और यहां पर मैंने नेगेटिव वाला ग्राउंड कर दिया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम,
इन कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे हम, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। ठीक है, व्हेन वन इनपुट ऑफ ओपैम्प इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ठीक है, एनी वन इनपुट ऑफ द ओपैम्प इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड एंड देर इज नो फीडबैक, देन इट इज कॉल्ड जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमको ये 2017 के गेट में पूछा गया था, एक्चुअली ये था कि वन नीपर की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ डीबी, और हमें ये याद नहीं रहती है, बट हमें ये याद होना चाहिए। वन नीपर इक्वल्स टू होता है 6.686 डीबी, ठीक है, ये हमको याद होना चाहिए था, और इसी में ही फिर लोगों का आंसर नहीं आ पाया था, ठीक है, क्योंकि हमको ये जनरली याद नहीं रहता है, तो आप जस्ट नोट कर लीजिए और याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम ई की पावर एक्स सीरीज हमें पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस, ठीक है, डैश 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 कंटिन्यू होता रहेगा। साइन एक्स और कॉस एक्स की सीरीज मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, ठीक है, वो भी आपको जनरली पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम कम्युनिकेशन सिस्टम की एक बात करते हैं कि अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का, ठीक है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगी तो मुझे मिलेगा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही देखते हैं हम, जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर होती है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है अंडर रूट 2 एप्सिलॉन बाय क्यू इंटू वी। ठीक है, ये वी बी आई प्लस वी आर भी होता है, ठीक है, वी बी आई क्या होता है, बिल्ट इन वोल्टेज, और ये रिवर्स बायस वोल्टेज, 1 अपॉन एक्सेप्टर डोन एक्सेप्टर एटम का, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एन डी डोनर एटम का, जो हमको दे रखा होगा एन ए और एन डी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और सी जो होता है, जो कैपेसिटेंस अगर निकालना हुआ तो वो क्या होता है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का, वी बी आई प्लस वी आर। और ये दोनों फॉर्मूले आप बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं गेट के हिसाब से, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आप पे, प्लीज आप इसे याद रखिए अच्छे से। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू, क्यू की वैल्यू आपको पता होगी, वीबीआई की वैल्यू दे रखी होगी, ये सभी जनरली सभी वैल्यू से दे रखे होते हैं और डायरेक्टली आपसे पूछते हैं कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होगी, वो आपको पता होना चाहिए। और अगर कभी कैपेसिटेंस के टर्म्स में आता है क्वेश्चन कि पहले हमने वोल्टेज ये दिया है, दूसरी बार ये वोल्टेज दिया है, फर्स्ट का हमको कैपेसिटेंस दे रखा होता है और हमको जो नेक्स्ट हमने वोल्टेज चेंज किया उस पे कैपेसिटेंस निकालना होता है, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये वोल्टेज के स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अभी ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपलोड करूंगी मैं आपके लिए, और आप ये पॉइंट्स प्लीज याद रखिए। ठीक है, और वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।